नमस्ते। दिस प्रॉपर्टी इज ब्यूटिफुल। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Jasvika Kalsi and this is our fourth day in Thailand and second day in Pattaya. And अभी हम हैं हमारी होटल में और नीचे ना हमारे होटल के बहुत अच्छा इन्होंने वाटर एक्टिविटी वाला एक छोटा सा पूल बना रखा है, तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। चले हम ये करेंगे, हम वो बंद करो हाथ जोड़ के मैं। And this is my swimming costume and इसके ऊपर एक बाथरोब जो कि होटल का ही है। फाइव पूल्स बनाए हुए हैं और अलग अलग जोन्स के हैं, मतलब डीप है कोई, उससे डीप है, फिर उससे डीप है एंड फिफ्थ वाला डीपेस्ट है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा और इनफैक्ट जिन लोगों को मेरे जैसे थोड़ा सा डर लगता है पानी से या फिर छोटे बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छा वे है स्टार्ट करने का। एंड गाइस यहाँ पे बारिश भी हो रही है। आ जा थोड़ा सा अंदर, आ जा जसप्रीत, आ जा, जा मैं इतना भी डीप नहीं है, बस इतना सा है, छोटा सा है ये तो। मैं तो हूँ ही अंदर मैडम, जाऊँ? बाय 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 बाय। वाओ कितना ऑसम है, जोरावर भी नहीं आया। यहाँ से गाइस ऐसा व्यू है, यहाँ से जाओ आप सब अलग अलग पूल्स में पहुँच जाओगे, ऊपर ब्रिज, बारिश, अलग ही मजा है। आ जाओ जसप्रीत, बहुत अच्छा है। माचो मैन, कैन यू डू दिस? नो आई कांट and I'm not going to try. The fourth pool is deeper and OMG she cannot swim. Itna bhi deep nahi, bhi deep nahi hai. Aaja dosto, bahut 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 bahut. Jao, bye 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 bye. Main nahi bachdi, main to gayi bas. Wah, kya acting kar raha hai. Upar pankha chalta hai, niche munna. This property is beautiful and it's huge. और सामने ही पूरा beach है। This is the fifth pool. This is the deepest one. यहाँ पर है ये सबसे बड़ी ride. Guys, that was fun. पहली बार लग रहा है कि किसी होटल के पैसे वसूले हैं, है ना? Later that day. So guys, अभी हम हैं एलिफेंट विलेज में और यहाँ पर हमने ये बनानास भी लिए हैं 100 बाट की एक बास्केट पे, जिसमें हम एलिफेंट को फीड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ना हमें अराउंड 300 बाट पर पर्सन लगा है, जिसमें हमें एलिफेंट को टच भी करने देंगे, उसके साथ थोड़ी देर रहने भी देंगे और फिर उसके बाद कोई शो भी होगा। सो लेट्स गो एंड सी कि ये कैसा है। दूर से मैं आया हूँ, छोटा बच्चा लाया हूँ। यहाँ पे एलिफेंट राइड भी कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने राइड नहीं ली, हम सिर्फ फीड करने आए हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग बैम्बी। गाइस इनके पास ना डियर्स भी है और आप इन सबको भी अपने हाथों से ऐसे फीड कर सकते हैं, देखो सो क्यूट। पुश ऑन द शीप, कीप पुश ऑन द शीप, इसके सब दोस्त है क्योंकि ये है स्वीट। जीप लो लो भाई, वेरी गुड। सब ऐसे कर रहे हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। मिलिए ऑस्ट्रिच से जो कि बहुत तेज भागते हैं। बड़ी बर्ड्स होती हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बर्ड्स होती हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े एग्स होते हैं। वो जोक सुनाए कि नहीं बाबा, कि पंछी उड़ क्यों नहीं सकते? मैं बताता हूँ, नी जीना यहाँ मरना यहाँ, उड़ के भी हम जाएंगे कहाँ। एंड गाइस यहाँ पे ना बीच में ये कैफे भी है और हमें यहाँ पर फ्री वेलकम ड्रिंक्स मिली है इस कैफे में, उसी कूपन कोड के अंदर था। ट्विंकल एंड जोरावर गॉट स्ट्रॉबेरी सोडा, आई गॉट एप्पल सोडा। अच्छा है, कोक जैसा नहीं है, कॉफी जैसा नहीं है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैं कॉफी और कोक ही पी रही हूँ। गाइस मेरी आउटफिट बिल्कुल परफेक्टली मतलब जा रही है ना फॉरेस्ट थीम के साथ। गाइस ऐसे का बर्थ जिसके ऊपर मैं खड़ी हुआ, ये मैंने हमेशा नेटफ्लिक्स में देखा या फिर मूवीज में देखा, ये मैंने एक्चुअल में इसके ऊपर मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ये कैसे दिखता है। गाइज अब एलिफेंट शो स्टार्ट होगा। ये
उसके पीछे छुपा लिया। इसने छोटे छोटे बच्चे इनको फीडिंग करवा रहे, इतने क्यूट लग रहे देखो। इतना ज्यादा मजा आया मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर अगर आप आ रहे हो थाईलैंड पटाया तो यहाँ पर आना आपका बनता है, क्योंकि एक्चुअली में बहुत ज्यादा मजा आया और शो भी बहुत अच्छा था, है ना। और यहाँ पर लोग इतने ज्यादा स्वीट है, इतने प्यारे हैं। क्लिप में दिखाती हूँ, पाइथन था वो रियल था, सारे जितने भी एनिमल पकड़ के थे। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं गाइस, बहुत मजा आता है। अच्छे है ना, सारे हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं। मिस थाई 2017 वो बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा उनका बोर्ड लगा हुआ है, क्या बात है। बड़े बड़े लोगों नाल साडी फोटोआं। ऐसे यहाँ पे वॉशरूम भी ना ऐसे बनाया हुआ है, मतलब वो फीलिंग नहीं आती बेयर ग्रिल्स वाली, मैन वर्सेस वाइल्ड वही फीलिंग आ रही है पत्तों में से निकलने वाली। गाइस यहाँ ना अंधेरा इतना है, जोरावर गलती से भुवन वाले वॉशरूम में चला गया। Later that day. She's a Mona Lisa. ये मैं इतना ज़्यादा तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि मेरा ये जो टॉप है ये एक बाटा कोलैबोरेशन में है एक ब्रांड के साथ, दैट्स एन इंडियन ब्रांड, और उनके पास ऐसे बहुत सारे ग्लिटरी ग्लिटरी टॉप्स हैं, तो ये मुझे मिला था। तो मैंने सोचा कि मैं ना मेकअप एंड ऑल भी शूट कर लेती हूँ, फिर जो ट्रांजिशन वाला लास्ट का टेक होगा वो मैं पटाया की रोड्स पर लूँगी, काफ़ी अच्छा लगेगा चमचम करता हुआ। This part of my life is called happiness. हमने दाल मखनी, बटर नान और चिली चिकन और छोले भटूरे भी खाए। छोले भटूरे ऑब्वियसली ऐसे नहीं थे जैसे दिल्ली में मिलते हैं, बट टेस्टी था, अच्छा था। अभी तक हमने जितना भी इंडियन यहाँ पे खाना खाया उन सब में से यही वाला बहुत अच्छा था। आउटफिट वैसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे रैंडमली काफी सारे लोगों ने तारीफ करी। Why oh why was I cursed with these devastating good looks? कुछ इंडियंस ने एंड कुछ फॉरेनर्स ने, एंड आल्सो अब हम लोग कल जा रहे हैं बैंकॉक वापस, और वहाँ का हम चाइना टाउन देखेंगे और भी बहुत सारी जगहों पे जाएंगे जो हमने फर्स्ट
टू डेज में नहीं कर पाए थे, जैसे कि क्रूज़ पर भी जाएंगे और क्रूज़ के लिए मैंने बहुत अच्छा लुक सोचा हुआ जो कि मैं करने वाली हूँ. सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और अगर आपको मेरे बैंकॉक वाले, सॉरी थाईलैंड वाले वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना. एंड ऑल्सो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट. एंड स्टे ट्यून्ड क्योंकि अभी हम थाईलैंड में दो दिन और हैं. ओह माय गॉड, लुक एट दैट. यहाँ मुझे सब समझ आ गया, यहाँ जाना है. अब तो आते ही नहीं है यार.